हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम कसौली आ चुके हैं और यहाँ पर हम चर्च में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तो देखिए हम चर्च के अंदर आ चुके हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, सबसे पहले रात रानी का पौधा हमें दिख गया। कितना खूबसूरत रात रानी। और दोनों साइड तो ये कसौली में हम आ चुके हैं फ्रेंड्स और चर्च में अब हम जा रहे हैं। चला है फ्रेंड्स कि यहाँ के लोग कभी बीमार भी नहीं पड़ते हैं, जैसे बीपी, शुगर, इस तरीके से कोई बीमारी इन्हें नहीं रहती है। जैसा कि मेरे पैरों में दर्द है तो जिस गाड़ी से मैं आई हूँ तो ड्राइवर ने बताया कि मैम, आपके उम्र के तो लोग यहाँ पे दौड़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये सब खान पान, और ये बोले कि यहाँ का वातावरण और पेड़ पौधों की वजह से है। तो देख सकते हैं ये चर्च, अब हम अंदर चलेंगे। मम्मी को देख के आप बोल दी तो देखिए फ्रेंड्स, हम चर्च के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे फोटो खींचना मना है, लेकिन जो यहाँ पे बैठे हैं बोले हैं कि खींच लीजिए, तो हमने एक ले लिया। तो चलिए अब हम यहाँ पे कैंडल को जला देते हैं। तो चलिए अब हम भी कैंडल को जला देते हैं। हम बनाए तुम्हारे दिखाते हुए ना।
तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है, कितनी शांति लग रही है। और पहाड़ियों में तो फ्रेंड्स आने के बाद जाने का मन ही नहीं करता है। तो देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत व्यू हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये जो चर्च आप देख रहे हैं 350 साल पुराना चर्च है। मम्मी चलो, तो आप जब यहाँ पे आए तो जरूर यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति अंदर बैठने के बाद या फिर बाहर बैठने के बाद भी। तो आप यहाँ आए तो जरूर यहाँ पे आए, कसौली आए तो इस चर्च में जरूर आए। और अब हम लोग माल रोड, और फ्रेंड्स माल रोड और गिलबर्ट हिल जा रहे हैं, और मंकी टेल पॉइंट काफ़ी ऊपर है। तो देखते हैं कि वहाँ आ जाते हैं कि कल फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।